गाइस आज मैं आप लोगों को यहाँ इंदौर का सबसे खूबसूरत सबसे बड़ा झरना दिखाने वाला हूँ जो कि नाम है तिनचा पुल। तो वीडियो को कंटिन्यू देखना, पूरा वीडियो समझ में आएगा। तो आज यहाँ पे तिनचा पुल कैसे जाएंगे, कैसे क्या रास्ता है, पूरा कंटिन्यू देखो समझ में आएगा। गाइस देख सकते हो फाइनली हम लोग तिनचा पुल आए थे और तिनचा पुल में ऐसी खतरनाक बारिश हुई कि हम तिनचा हो गए। भाई ऐसी खतरनाक बारिश हुई की हमारा भाई आनस मिल चुका है और हम लोग जा रहे हैं खजराना। जिस बंदे को भी मिलना है इस भाई से मैसेज करना, मैं खजराना में हूँ। इस भाई के पास खजराने में कहाँ पर है? हम लोग खजराना में जमजम स्क्वायर पर, जमजम स्क्वायर पे वहाँ पर आकर के इस भाई को जानते होंगे, मैसेज कर देना, फोन कर देना, मिल जाऊंगा मैं। तो मिल देना शुरू भाई। तो गाइस फाइनली हम लोग खजराना पहुंच चुके हैं, देख सकते हो माशाल्लाह। ये कौन सी मस्जिद है भाई? नाम तो पता नहीं मुझे। अच्छा मागी ये खजराना की मस्जिद है कह सकते हैं अपन। फाइनली हम लोग खजराना पहुंच चुके हैं। अब यहाँ का ब्लॉग शूट होगा आज और इंदौर का होगा, क्या क्या देखते हैं। हमारा भाई का अनस का घर और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे गरीब नवाज सरकार को ज़्यादा मानते, देख सकते हो कितनी बड़ी तस्वीर लगी हुई माशाल्लाह। और मैंने कहा था ना आप लोगों को नागपुर वालों का दिल बड़ा है, पर खजराना वालों का तो देखो दिल क्या थाली भी बड़ी है। मैंने कहा भाई इतना सारा मैं कैसे खा पाऊंगा, बोले नहीं भाई खाना पड़ेगा। तो ये भाई इंदौर वालों का प्यार है, पूछो मत। खजराना वालों का दिल ही नहीं थाली भी बड़ी है, देख सकते हो कितना बड़ी थाली लगाई भाई ने मेरे लिए। क्या बात है यार, मानना पड़ेगा इंदौर वालों को। तो गाइस फाइनली अब मैं इंदौर पहुंच चुका हूं। इंदौर के हम लोग पहुंच चुके हैं, क्या बोलते हैं, खजराना एरिया में, और जो कि इंदौर में हूं मैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कहां भाई? तिनचा फॉल। तिनचा फॉल जा रहे हैं, उसके बाद और कहां कहां जाएंगे? छप्पन राजवाड़ा, छप्पन दुकान जाएंगे, राजवाड़ा जाएंगे और बहुत सारी जो चीज कांच का मंदिर है वो भी जाएंगे। यहाँ के दो प्रमुख धार्मिक स्थल है वो भी जाएंगे। एक गणेश मंदिर है बहुत फेमस है खजराना का, और एक दरगाह शरीफ, कौन सा माशाल्लाह। फिर अब हम वहाँ पे भी जाएंगे। तो आपको आप इंदौर की सैर कराते हैं और मचाते हैं और आपको तिनचा फॉल दिखाते हैं। वहाँ से क्या बोलते हैं, यहाँ का बहुत बड़ा झरना है। मैं अक्सर न्यूज में देखता था कि यहाँ पे बड़े बड़े हैं झरने, तो अभी मैं आपको झरना ही दिखाने जा रहा हूँ जो ऊपर से गिरता है नीचे पानी, और मैं भी थोड़ा बहुत नहाएंगे और मचाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बिना वक्त गवाए वहीं पे। तो गाइस फाइनली क्या नाम था? पाकीज़ा लाइफ स्टाइल। हाँ हाँ माशाल्लाह पाकीज़ा लाइफ स्टाइल कॉलोनी है और बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत है ये यहाँ की। और देखो मस्जिद का आकार, मस्जिद है क्या वो? हाँ सुभान अल्लाह क्या बनी है। वापस आते समय दिखाऊंगा आपको, ग्रीन मिला है और आपको। ओहो भाई ये इंदौर वालों का, जो इंदौर में मुस्लिम रहते हैं ना, ये उनकी लाइफ स्टाइल है, देख सकते हो। मतलब ऐसे रहते हैं यहाँ के मुस्लिम जो बाकी यहाँ पे खजराना के पास वाले जो रहते हैं, है ना, एक नंबर भाई। तो गाइस अभी मैंने सपाट एरिया दिखाया था, बिल्डिंग वाला एरिया भी दिखाया मैंने, और ये काफी खूबसूरत इंदौर शहर का नजारा। और अब दिखाने वाले वाटरफॉल आपको, ये इंदौर शहर सजाते और दिखाते और मचाते और आपको गिरते हुए भी दिखाते हैं। क्या पानी पानी। ओ भाई ये इंदौर शहर है, स्कूल अच्छा स्कूल है क्या ये? ओ भाई मैं तो सोचा होटल है। मतलब आप एक बार देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे एक नंबर यार, यहाँ के स्कूल भी डेंजर है और यहाँ के मतलब स्कूल ही डेंजर है, खतरनाक। और भी पता नहीं क्या क्या डेंजर है, अभी मैं आते समय दिखाऊंगा सब। फाइनली इंदौर के बाहर जब आप आओगे तो इंदौर के बाहर से एक रास्ता कटता है, वो कौन सा रास्ता? राला मंडल रास्ता। राला मंडल, राला मंडल में आप लोग जब इंदौर से हाईवे हाईवे आओगे ना तो राला मंडल आना पड़ेगा। राला मंडल से आपको रास्ता कट जाएगा, सीधा तिनचा पुल के लिए जाएगा। तो ये आप देख सकते हो नज़ारा, अभी खूब सारी धूप थी और वहाँ पे सिटी में बहुत ज़्यादा रश था और गर्मी भी थी। अब यहाँ पे हमको ठंडी फील हो रही है। ये आइला कितना ठंडी लगती रहा बाबा, ये सामने क्या रहे भाई राला मंडल, ये पूरा वो है क्या बोलते हैं घूमने की गार्डन। अब दिखेंगे आपको खतरनाक खतरनाक क्या शेर, अच्छा ये छोटा शेर है। तो मचाते और घुमाते आपको तिनचा पुल, तिनचा पुल। जब तीन चार पुल की लाइन में चलोगे आप, इधर आओगे ना तो आपको ऐसा खतरनाक जंगल दिखेगा और जंगल के साथ साथ पहाड़े दिखेंगे और पहाड़ों के साथ साथ हरियाली। क्या बात है, क्या बात है। तो हरियाली अल्लाह, अभी देखो अभी हम ठंडी हवा, मतलब ठंडी हवा तो हमें फील हो रही, तुम्हें नहीं होगी। और इधर आ
खतरनाक बड़ी बड़ी जंगल है और जंगल के साथ पहाड़ियाँ। अभी शेर भी यहाँ पे है, मतलब सारे जंगली जानवर हैं यहाँ पर। तो देखते हैं और दिखाते हैं, कैमरा घुमाते हैं। क्या बात, तो अभी हम टीम ही जा रहे हैं पर और भी लोगों को पकड़ लाते हैं, पर अभी पता नहीं कैसा फॉल होगा, जाने देंगे कि नहीं जाएंगे, पर कोई बात नहीं, फिर भी जाएंगे और मचाएंगे और हमारी गाड़ी के साथ में आपको घुमाएंगे। ये इंदौर वालों का प्यार है और इंदौर वालों का बहुत बड़ा है क्या दिल दिल आप लोगों ने देखा, इंदौर में था तो वहाँ पे बारिश नहीं थी, पर हम तिनचा पोल में आ गए तो तिनचा पोल में आ गई खतरनाक बारिश। अब आएंगे मजे करेंगे, कराएंगे आपको ब्लॉग शूट। ये हमारा भाई अमन, मचाएंगे। ये देखो यार कैसी हालत हो गई तुम्हारे भाई की, अभी तीन चार पोल में हालत हो रही है। बाकी मैं गीला हो जाऊंगा, जैकेट उतार के गीला करेंगे अपन, है ना, जैकेट भी अंदर डाल लेता हूँ, कैमरा घुमाते। ये देखिए तिनचा फॉल का नजारा, तिनचा फॉल अनबिलीवेबल मोमेंट। जैसे कि गाइस आप देख सकते हो, मैं अभी इंदौर में मौजूद हूँ और इंदौर में मैं तिनचा पोल आया हुआ था, तो तिनचा पोल में खतरनाक बारिश हो गई है और हम लोग 18 तारीख को तिनचा पोल गए थे, आज 19 हो गई है और अभी मैं इंदौर में ही हूँ 20 तारीख तक। तो जिस बंदे को भी मुझसे मिलना है मैं मिल सकता है, और आप लोग इंदौर में जब आएंगे तो तिनचा पोल कैसे जाएंगे? तो भाई तिनचा पोल जाने के लिए आप किसी से भी पूछ लेना, ऑटो वाले से या फिर कार वाले से, तो वो आपको तिनचा पोल ले जाएगा। तो और ये रास्ता राला मंडल से कट जाता है, देख सकते हो। फाइनली हम लोग तिनचा पोल आए थे और तिनचा पोल में ऐसी खतरनाक बारिश हुई कि हम तिनचा हो गए, तिनचा पोल हो गए हमारे बालों से पोल हो भाई, ऐसी खतरनाक बारिश हुई कि हमारे बालों से पोल हो, पूरे हम भीग चुके हैं बारिश में अब खतरनाक, और यहाँ इतनी गजब बारिश हुई है कि पूछो। ये देखो कितनी खतरनाक बारिश हो रही है। क्या हुआ भाई, फंस गया था क्या वो भी? ये देखो कितनी खतरनाक बारिश हुई है यहाँ पर। ये देखो हिम्मत कर करके गाड़ी निकाल रहे, अभी देखना इनका क्या होगा। फिर से तेज हो गई बारिश, कभी तेज हो रही कभी स्लो हो रही कभी तेज हो रही है भाई, निकलना तो पड़ेगा अपने को भी। ओ भाई धक्के मार के तुम दोनों गाड़ी निकालो और मैं पैदल पैदल भाग के आता हूँ। तो पहले इनको देखते हैं कैसे जाते हैं। हमारे लिए बहुत मेहनत करता हूँ यार भाई, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, तुम्हारा छोटा भाई हूँ सपोर्ट कर देना, और ये दोनों मेरा भाई इनको भी सपोर्ट कर देना। क्या नाम था इंस्टाग्राम आईडी का? स्केटर्ड हार्ट, स्केटर्ड हार्ट, खतरनाक है इसका हार्ट। और तेरा एक सामान, एक सामान, दोनों का कमीनों का नाम देख लो, एक किस कर रहा और एक हार्ट का हार्ट, क्या हुआ चल रहा हार्ट। और मैं तो मिस्टर खान, क्या करो तुम जानती हो लोग, और भाई को फुल सपोर्ट करे, लाइक करे, फॉलो करे, कमेंट करे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करे, और भाई को इंस्टाग्राम पे ही सपोर्ट करे भाई को। थैंक यू ब्रो। तो आप लोगों के लिए ऐसे जाते रहेंगे और मचाते रहेंगे और आपको नजारे दिखाते रहेंगे, भीगेंगे भिगाएंगे और आप लोगों को कैमरा घुमा के जरूर दिखाएंगे। अच्छा मैं क्या कह रहा था, मैं वो गया था देख सकते हो, वो गया था रास्ता ढूंढने, रास्ता ही नहीं मिला, वापस आ गया पैदल पैदल, वो रास्ता ढूंढने गया था, रास्ता ही नहीं मिला उसको, वापस आ गया वो भाई। ये इंदौर है, ये इंदौर वालों का देख सकते हो मिजाज है भाई, कुछ भी हो सकता है इधर। बोले ऑटो वाले ने ऑटो ही पीछे कर लिया, क्या जमाना आ गया मैं, अबे कम से कम तू तो ले जाता। अरे भाई तुम तो ले जाते, अरे आपका ऑटो थोड़ी ना बेहतर, तुम तो ले जाते। अरे ये कैसे ले जाता भाई, अरे भाई बाहर फंस गई, पीछे लेंगे आगे लेंगे अभी। क्या मूसलाधार बारिश हुई है देख सकते हो, निकाल हाँ। जैसे कि गाइस आप देख सकते हो ये हमारा इंदौर शहर, नीचे सामने आप देख सकते हो, और ये ऊंचा पाल है, सॉरी तिनचा पाल है। तो हम लोग तीन चार फोल में गए थे, मतलब तीन चार फोल में गए थे, और इसकी देखो हालत कैसी हो रही है, पूरा भीग गया है गाड़ी चलाते चलाते, और वो भी भीग गया, और मैं तो बहुत बड़ी तरीके से भीग गया हूँ। और अभी हम लोग खड़े होकर के ऊपर से,
ओ भाई पटाखे फूट रहे हैं, कहीं ना कहीं गिरने वाली है भाई लग रहा है बिजली। ऊपर खड़ा होके तुम्हारे को दिखाता हूँ थोड़ा सा नजारा, यहाँ हरियाली खतरनाक हो रही है, जंगल भी खतरनाक हो रहा है। ये देखो इंदौर शहर का नजारा ऊपर से, आपको काफी प्यारा मंजर नजर आएगा यहाँ से आपको। ये इंदौर की नगरी है भाई, इंदौर के गांव में घूमते हुए कैसा लग रहा था बाबा? ये तो यहीं के और मैं नया हूँ तो मेरे को मजा आ रहा है। गंदी नजर गलत बात। मचाएंगे। अच्छा गाइस तो फाइनली हमारी वीडियो हो चुकी है फाइनल। इधर आना थोड़ा, तुम्हारा भी चेहरा दिखाना। ठीक है हमारा भी दिखाते हैं चेहरा। तो गाइस फाइनली हमारी वीडियो हो चुकी है फाइनल, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, छोटा भाई है तो हमारा सपोर्ट करो। किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो मिस्टर खान अजमेर। और देख सकते हो जैसे कि हालत, हम भीग चुके हैं पर कोई बात नहीं, मजे किए हमने, फुल मजे किए पर आपको नहीं करा पाए, कोई बात। ये देखिए भाई, ये इंदौर का नज़ारा, और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल काफी ऊंचे पहाड़े हैं, पहाड़े हैं और नीचे जंगल है, नीचे जंगल है और थोड़ी बहुत आबादी भी है, थोड़ी बहुत आबादी भी है। और देखो एक ही घर नजर आ रहा है बस पूरे एरिया में। और ये देखिए बारिश भी हल्की हल्की पानी पानी आ रहा है, और हम लोग तो पूरे भीगे हुए हैं। और ये देखिए हमारा भाई मिस्टर खान गाड़ी चलाते हुए, बिल्कुल ये गाड़ी चला के हम लोग तो वैसे बहुत भीग चुके हैं और फुल इंजॉय बस बहुत चाहते हुए। इंदौर शहर में अभी क्या हो रहा है कि मैं भीगा हुआ था, मैंने कहा गाड़ी चला लेता हूं तो थोड़ा सूख जाऊंगा। और ये अभी तुमको घर का नजारा दिखाते, बंद करो कैमरा। ये काफी प्यारा घर बना रखा है, इसका भी काम चल रहा है, फार्म हाउस है मेरे हिसाब से, चल रहा है ये एक तरीके से देखा जाए तो फार्म हाउस, देखा जाए तो ये फार्म हाउस है, फाइनल टाइम में टूरिस्ट के हिसाब से खुल जा रहा है। तो भाई देख सकते हो ये तालाब मिला है, और यहाँ पे हमारा एक नया फ्रेंड मिला है, और ये काफी देर से मुझे कह रहा था मेरी फोटो खींच। आप देख सकते हो आधा तालाब है आधा आधा जंगल है, अभी हम लोग वहाँ से नजारा आपको दिखाते हैं, बहुत मजा आने वाला है। आधा आधा आओ, आधा आधा दिखाएं। मैं आपको इंदौर के तालाब से मिलाने वाला हूँ जो आधा आधा है। आधा मतलब कैसे बता सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं इसको कि आधा ऊपर पानी है नीचे कुछ भी नहीं, क्या बोल सकते हैं इसको? फुल भरा चुका है ये कौन सी भाषा है भैया? अच्छा ही, अरे शमशान है क्या भाई? शमशान जैसा लग रहा था मेरे को थोड़ा सा। इसको नहाना है, लहर आ चुकी है यहाँ पे। ये आइला, ये तो झरने टाइप का बना रखा है इसको। आधा आधा है भैया, ये तो आधा आधा है। ये कुत्ता वा का कर रहा था बा? हाँ यार, अच्छा एक मिनट, इन्होंने क्या सिस्टम करा, यहाँ से यूं करके पानी भराने के लिए तालाब बना दिया है और नीचे पूरा झरना बना हुआ। देखो ये नज़ारा तो स्विमिंग पूल जैसे हो गया भैया, आधा जंगल है आधा तालाब है। सही है सही, चलो नहीं तैरना कह रहा, ये चालू कर दिया है। तो गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हो यहाँ पे धुआं धुआं हो चुका है बारिश होने के बाद। ये जंगल में मंगल का टाइम है, और यहाँ पे छोटी सी झोपड़ी है, आपको शायद ही दिख रही होगी, दिख रही है। यहाँ भुट्टे मिलते हैं, भुट्टे मिलते थे, अभी बारिश हो गई तो भाग गई वो। हाँ बाकी एक नंबर लग रहा है भाई, तो काला काला धुआं हो रहा है भाई इधर, ऐसा क्यों? कुछ होगा भाई इनका सीन ठीक है। बाकी रात के टाइम भाई क्या नजारा हो जाता होगा यहाँ का भाई, अभी धुआं दिख रहा है आपको यहाँ पे, पर मुझे भी धुआं नहीं दिख रहा है, अभी पता नहीं कैसा नजारा हो, देखते मचाते हैं। कितना बेहतरीन और कितना बड़ा बना हुआ है, और यहाँ पे टोटल गर्ल्स पढ़ती हैं और बॉयज में अलाउ है। हाँ क्या महल की तरह लग रहा है बाबा, रुक जा रे बाबा मेरे को रोटी करना पड़ता है भाई, देख सकते हैं आप। तो गाइस फाइनली देख सकते हो मैं इंदौर में था, और इंदौर में आप स्कूल देख सकते हो, ये इंदौर की स्कूल है भाई, और काफी प्यारे महल की तरह लग रहा था, मैं सोचा कोई होटल है दिखे ये, पर होटल नहीं है, स्कूल एक नंबर लगा। देख सकते हो गाइस फाइनली आप ये इंदौर शहर देख पा रहे हो, बहुत खूबसूरत शहर है ये, और ये खजराना एरिया रोड देख सकते हो, और आगे हिल रहा है भैया पुल तो हिलता भी है। आप फाइनली देख सकते हो इंदौर शहर में ये क्या चीज है भाई, एम्पायर स्टेज देख सकते हो, और यहाँ पे बड़ी खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग्स बनी हुई है। अरे आप जैसे कि गाइस देख सकते हैं ये खजराना है जहाँ मैं रुका हुआ हूँ मेरे भाई के घर पे, एंड यहाँ पर आपको खूबसूरत सी मस्जिद अभी दिखाने वाले हम, ये देखो आगे, आहा माशाल्लाह क्या प्यारी मस्जिद है देख सकते हो।
चलो चलते रहो तुम तो। बहुत प्यारी मस्जिद बना रखी देख सकते हो, ये खजराना की मस्जिद है आप देख पा रहे हैं। पूरी मस्जिद में एक ही फैन है, पूरी मस्जिद को कवर करता है, बहुत बड़ा फैन लगा हुआ है। वाह सुभान अल्लाह।